टीकमगढ़ काफी दिनों से नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार गप्पू मलिक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अटकलें चल रही थी और जिसे अब अमली जामा पहनाया गया है। आज सुबह से अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा जोरों से चल रही थी, जिसके 27 में 19 पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी से नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा पार्षदों के साथ कांग्रेस के कुछ पार्षद शामिल हुए। कांग्रेस पार्षद राम कुमार यादव ने अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं भाजपा पार्षद विकास कार्यों, उदासीनता, लापरवाही सहित कई आरोप लगाए हैं। भाजपा पार्षद नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे रानू ने बताया कि भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और उनकी वीडियोग्राफी भी हुई, आगे प्रक्रिया चालू है। वहीं कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष गौरव शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के कुछ पार्षद जिनके ऊपर अनुशासनहीनता की पार्टी की कार्रवाई होगी, लेकिन आज ही मोहन सरकार द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने पर मामला पेचीदा हो गया। अब विश्वास के लिए 3 वर्ष पूर्ण और 3/4 बहुमत जरूरी होगा। कांग्रेस पार्टी कोई अविश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं आई है। आज का जो अविश्वास प्रस्ताव जो कार्य प्रणाली यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में चल रही है, वह भाजपा के पार्षदों द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ पर उपस्थित पार्षदों की संख्या 19 है, जिनमें कांग्रेस के 6, निर्दलीय 3 और भाजपा के 10 पार्षद उपस्थित हैं। तो जिस पार्टी के ज़्यादा पार्षद उपस्थित हैं, कार्य क्रियाकलाप उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। हमारे कांग्रेस के तो अधिकांश पार्षद अपने अपने घरों में हैं। यहाँ पर क्यों आए कांग्रेस के पार्षद? ये कांग्रेस के पार्षद जो आए हैं, ये भाजपा के पार्षदों के बरगलाने पर आए हैं, भाजपा के नेताओं के बरगलाने पर आए हैं, और इन पर निश्चित रूप से भविष्य में अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के पार्षदों के साथ मिलकर आप लोगों ने, पहले तो सम्मानीय पत्रकारों को हमारी नमस्कार, आप लोगों को और नगर के सभी सम्राट नागरिकों को पूरी जानकारी है कि नगर पालिका में काम बाधित हो गए हैं और जो अध्यक्ष महोदय की काम करने की पद्धति और शैली है, उसमें नगर पालिका की पूरी जनता और पूरे पार्षद असंतुष्ट और रोष व्याप्त है। और कई ऐसे काम हैं कि भ्रष्टाचार है, कुछ कुछ ऐसे हम लोगों ने ये कहा है कि नगर की जनता के हित में सभी पार्षदों ने, कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है, हम लोग सभी पार्षद मिलकर बड़ी आगे काम करेंगे। कितने पार्षद अभी आए थे? अभी 19 पार्षद आए, 2/3 से ज्यादा। आपके कांग्रेस के कितने पार्षद थे आपके साथ? पार्षद हमारे पार्षद थे 8 पार्षद। ठीक है, 19 पार्षदों ने एक साथ नगरपालिका टीकमगढ़ अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक के खिलाफ अविश्वास लगाया है। ये जनहित का विषय था, नगरपालिका की 2 साल का कार्यकाल आपने देखा है, जनता इतनी त्राही त्राही जनता के पीछे मची हुई थी। हर व्यवस्था, मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं, पानी पिलाने जैसी छोटी छोटी व्यवस्थाओं को जब वो नहीं कर पाए, हम लोगों को मजबूरी में उनके भ्रष्टाचार के तौर तरीकों से, उनके काम करने के तौर तरीके से असंतुष्ट होकर हम सभी 19 पार्षदों अविश्वास लगाया है, जो कि लगा चुके हैं। अंदर हम लोगों ने अपने अपने बयान दर्ज कराए, आगे की जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसको जो दिशा निर्देश प्रशासन के होंगे उस हिसाब से हम लोग क्रम में आगे चलेंगे। प्रक्रिया जो हमारे ओर से थी वो हमने कर दी है, प्रशासन हमें जो निर्देशित करेगा, जो जिस दिन नोटिस जारी, जो भी प्रक्रिया होती है वो होती जाएगी, उस क्रम में चलते जाएंगे, जो कानून के दायरे में आएगी वो करेंगे। दल का विषय है ही नहीं भाई साहब, ये नगर का विषय है, कोई दल का विषय नहीं है, ना कोई भाजपा है ना कोई कांग्रेस है, हम सब नगर के हित में जनहित में एक साथ आए हैं, हम सब एक हैं। टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट।